नई उड़ान बाय संदीप शर्मा चैनल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज असीं करांगे दोस्तो औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज का किनवा बादशाह सी? छेवा। ठीक है जी, छेवा बादशाह सी जी औरंगजेब मुगल साम्राज का। इसका शासनकाल नोट कर लिया जाए बच्चे, 1658 से 1707। तो इसका जन्म नोट किया जाए 24 अक्टूबर 1618 दोहाद जो कि गुजरात के पैंदा सी। उस तो बाद इसने दो उपाधियां लिया, एक तो आलमगीर की। ठीक है जी, औरंगजेब ने किसकी उपाधि ली? आलमगीर की, तो एक जिंदा पीर की। दो उपाधियां लिया औरंगजेब ने, आलमगीर ते जिंदा पीर। उस तो बाद उसकी पत्नी का नाम पूछ लिया जाता पेपर के, तो वह है दिलरास बानो, दिलरास बानो। ठीक है जी, उस तो बाद उसके जो गुरु ने कट्टर सुन्नी गुरु कौन से? उसके मीर मुहम्मद हकीम, मीर मुहम्मद हकीम। तो एक बीवी का मकबरा उसने बनाया सीगा, किसकी याद में बनाया सी? दिलरास बानो, यानी कि अपनी बेगम की याद में उसने बीवी का मकबरा बनाया सी। तो बनाया कितने सीगा जी? पूछ लिया जाता पेपर के, वह सीगा जी औरंगाबाद, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र स्टेट में पैंदा है। तो औरंगाबाद नाँ का शहर भी औरंगजेब ने ही बनाया सी। ठीक है जी, ताइयों इसका नाम की पैंदा है? औरंगाबाद। हुण असीं गल करदे हां जी जो औरंगजेब सी, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति सी, बड़ा कट्टर सुन्नी मुसलमान सीगा। वह खुद ये चाहता सीगा भी भारत नूं दारुल इस्लाम की धरती बनाया जाए। दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का गढ़, यानी कि इस्लाम तो बगैर होर कोई भी धर्म भारत के नहीं होना चाहिए। सो उसने दारुल इस्लाम की नीति अपनाई। वो ये चाहता सीगा भी सारे जो भारत के कानून बने पर किस नाल? कुरान दे नाल, क्योंकि कुरान दे विच जो मूर्तियां दी व्यवस्था नहीं है। उसने मूर्तियां जिन्ने भी मंदिर से हिंदुओं के वो टवा दिते। बहुत ज़्यादा उसने मतलब लोगों पर की किया? अत्याचार किया। तो लोग भी उसके शासन तो बहुत ज़्यादा दुखी सन। गैर मुसलमानों वह कदे भी प्यार नहीं किया उसने गैर मुसलमानों नाल। सो उसने की किया जो इंपोर्टेंट गल्लां ने, उसने जजिया कर लगा दिता जो काफ़ी समय बाद लगाया गया सी। उसने तीर्थ यात्रा कर लगा दिता। ठीक है जी, उसने कई त्यौहार जिमें कि नवरोज का त्यौहार बंद करवा दिता जो पारसियों का त्यौहार सीगा। इस तरह उसने जिन्हें भी गैर मुसलमान सी उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार जुल्म किया। औरंगजेब ने उसके अत्याचार करके ही जाने जाता है। ठीक है जी, जो साड़ी इसकी जो धार्मिक नीति सी बड़ी ही बुरी सीगी। यह हर एक दा विरोधी सी जो इस्लाम नूं नहीं कबूल करता सी। इसे करके कुछ महत्वपूर्ण जो घटनावां होईयां वो अज असीं उसकी गल करांगे। जिवें शिवाजी मराठियां दे सेनानायक सी शिवाजी, इसकी इस नाल बहुत ज़्यादा दुश्मनी सी। औरंगजेब यह चाहता सी भी शिवाजी साढ़े अधीन काम करे, पर ना शिवाजी ना अपना शाहू जी ने जिन्ना तक वह जाते रहे उन्हों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो हमेशा मराठे औरंगजेब नाल लड़ाई लड़ते ही रहे। तो औरंगजेब शासनकाल है, औरंगजेब शासनकाल सारी उम्र उसनू वह हमेशा लड़ाइया ही लड़ता रहा। कदे भी उसने संगीत नाल प्यार नहीं किया। इतों तक कि वह उसने सारे राज विच जो उस समय का राज सी भारत विच संगीत उत्ते पाबंदी लगा दित्ती सीगी। सो संगीतकारां जो संगीतकार ने उन्होंने कह दिता गया सी इन्हां नूं भी 7-7 फुट डूंघे टोएं विच दब दिता जावे। तो संगीत नाल उसनू बिल्कुल प्यार नहीं सीगा। तो इस तरह उसने 9वें गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद करा दिता। कहानी इस तरह सी, कुछ कश्मीरी पंडित ये चाहते सन भी सानू औरंगजेब के जो जुल्म है हो रहे ने उस तो छुटकारा मिले, क्योंकि औरंगजेब की करता सी? दारुल इस्लाम की नीति अपनाउंदा सी। दारुल इस्लाम मतलब भी सारे जो कश्मीरी पंडित ने वह मुसलमान बन जान। तो यही गल जाके कश्मीरी पंडितों ने साडे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कही, जो सिखा के 9वें गुरु ने। गुरु तेग बहादुर जी ने यह चैलेंज कबूल किया तो आप औरंगजेब के शासन के उन्हां दे राज विच उपस्थित होए। पर औरंगजेब ने सिखां नाल भी कोई भली नहीं गुजारी। उन्हां नूं दिल्ली दे चांदनी चौंक विच शहीद कर दिता गया लोगों के सामने। देखो औरंगजेब किन्ना ही बुरा शासक सीगा। उसने शिवाजी नाल हमेशा मराठे नाल लड़ाई लड़ी। उस तो बाद उसने साडे सिखां नाल लड़ाई लड़ी, गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद कर दिता। इत्थों तक कि गुरु गोबिंद सिंह जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल भी उसने कई युद्ध लड़े। सो हमेशा ही उस तो बाद पर सिख भी कितों अधीनता मनने वाले सी। बंदा बहादुर ने, इतों तक बंदा बहादुर ने इहदे राज का पूरा विरोध किया। तो कदे भी
औरंगजेब के विरुद्ध ना मराठे झुके ना सिख झुके। ठीक है जी। उस तो बाद बड़ा विद्रोह आता है वह आ सतनामिया का विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट है औरंगजेब के शासनकाल। मैं तुहानू मोस्ट इंपोर्टेंट ही करवा रहा जो बहुत ज़्यादा जरूरी ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। सतनामिया का विद्रोह, सतनामिया का विद्रोह की सीगा? सतनामिया का विद्रोह यह जो सतनामी सन पहला एक किसान सन, किसान नू कर देना पैंदा सी, इसने कर विच की कर दी, वृद्धि कर दी। सो सतनामिया ने कर देने तो मनाही कर दी, इस करके इसने सतनामिया नू बहुत ही बुरी तरह कुचल दिता सीगा। ठीक है जी। 1672 दे विच उस तो बाद जो इहदा जीवन काल है औरंगजेब का, यह कहा जाता साडे इतिहासकारां द्वारा भी वह अपनी मेहनत करके रोटी कमाउंदा सी। ठीक है जी। यह कहा जाता साडे इतिहासकारां ने भी वह चटाइयां बुन के अपनी मेहनत नाल रोटी खांदा सी, पर नहीं। जो तो मैं डॉक्टर राजमोहन गांधी की किताब पढ़ता हाँ औरंगजेब इतिहास, औरंगजेब तो माउंट बैंटन तक, उत्थे लिखता है ये बिल्कुल झूठ सीगा, दिखावा सीगा, क्योंकि वह एक बड़ा सुन्नी मुसलमान सी, ते इन्ना ज़्यादा जुल्म करता सी लोगों उत्ते भी सारे लोग उस तो दुखी सन, इतों तक कि उसने अपने सारे भरावां नूं मरवा दिता सीगा गद्दी वास्ते, ते अपने प्यो नूं कैद रखिया सी 8 साल। सो इस करके औरंगजेब शासनकाल सी शांतमई नहीं रहा, बहुत ज़्यादा युद्धां विच रहा, सारी उम्र वह लड़ाई ही लड़ता रहा। सिर्फ उहदियां दो लड़ाइया की गल होर करांगे जो उसने जीतियां, एक बीजापुर, ठीक है जी, तो एक गोलकुंडा। बीजापुर जीतिया 1686, गोलकुंडा जीतिया 1687। गल असल च यह सी औरंगजेब दखण का सूबेदार सी, औरंगजेब कितों का सूबेदार बनया सी, दखण का सूबेदार सी, तो वह दखण की स्थिति नू जानदा सी, ते वह जानदा सी जिन्ना तक ये दो राज नहीं जीते जाते उन्ना तक मुगल साम्राज का विस्थार होना बहुत औखा है। तो उसने की किया, इन्हां दोनों राज्यों नू जित लिया। पहला मुगल सम्राट शासक जिसने बीजापुर ते गोलकुंडा नू जितया, वह कौन सीगा? वह सीगा औरंगजेब। सो औरंगजेब ने इसनू मिला के पूरे भारत उत्ते मुगल साम्राज का झंडा बुलंद कर दिता सी। अजिहा पहला राजा जिसने उत्तर तो लैके दक्षण तक मुगल साम्राज का विस्थार किया, वह कौन सीगा? वह सीगा औरंगजेब। इस तरह उसका जो जीवन सीगा सारा लड़ाइयों विच ही बीतिया। कोई लोग उसके शासनकाल में सुखी नहीं सन, बहुत ज़्यादा दुखी सन, गैर मुसलमाना ते उसने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए। ठीक है जी। सो इस तरह उसकी मौत हो जाती है, लड़ाई लड़ते लड़ते ही बीमार हो जाता है, तो 1707 उसकी मौत हो जाती है। 1707 उसकी की हो जाती है? मौत। तो उसनू दफनाया जाता है खुलदाबाद, दौलताबाद। खुलदाबाद जो पहला पहला का नाम है दौलताबाद, हुण नाम नवा नाम की है? दौलताबाद। इस तरह जो औरंगजेब शासनकाल है वह हमेशा लड़ाइया ही गुजरिया, तो उसकी जो ये नीति सी भी वह सारे शासन का काम अपने हाथ च रखता सी। ठीक है जी। उसने डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया। ठीक है जी। उसने की अपनी शक्ति अपने को रखी। इस करके जो मुगल साम्राज का पतन होया साडे भारत में उस दियां नीतियां ही सी, क्योंकि वह सारे जो भारत के लोग ने उन्होंने की करना चाहता सी, मुसलमान बनाना चाहता सी। इस तरह उसके जो उत्तराधिकारी होए बहुत ही अयोग सिद्ध होए। ठीक है जी। क्योंकि उन्होंने शक्ति मिली नहीं सी पहला, जो थोड़ी मोटी मान लो किसी सूबेदार बनाया होंदा तां शायद वह अगे राज स्थापित कर लैंदा। इस तरह इसे यह जो गल्लां ने औरंगजेब बारे ये मुगल साम्राज के पतन का कारण भी बनिया। ठीक है जी। तो औरंगजेब बारे आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो चंगी लगे शेयर करियो, लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। थैंक यू।